गाजा में युद्ध की वजह से इसराइल मिडिल ईस्ट में चौतरफा हमलों से घिर चुका है। एक तरफ गाजा के भीतर हमास IDF सैनिकों को ठिकाने लगा रहा है, वहीं उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों से कोहराम मचा हुआ है और लाल सागर में यमन का हुती इसराइल से जुड़े हुए जहाजों को समुद्र में डुबो रहा है। वहीं अब इस कड़ी में इराकी प्रतिरोधी समूहों के हमले और भी ज्यादा भीषण हो गए हैं। दरअसल एक बार फिर से इराकी प्रतिरोधी समूह ने उत्तरी इसराइल के एलेट शहर को फिर से निशाना बनाया है, जिसमें अम अल रशरश के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 26 जून 2024 को प्रतिरोधी समूह ने एलेट में एक अहम इजरायली लक्ष्य को निशाना बनाया। प्रतिरोधी समूह ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो दुश्मन के ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमले उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। इसके अलावा इराकी प्रतिरोधी समूह ने ये भी कहा कि अगर इसराइल हिजबुल्ला के साथ पूर्ण युद्ध में जाता है तो वो भी हिजबुल्ला के समर्थन में खड़ा होगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि प्रतिरोधी समूह ने एलेट पर एक आत्मघाती ड्रोन अटैक किया था, जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सीधे टारगेट पर जा लगा और हमले की वजह से आसपास के इजरायली सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। सोशल मीडिया पर इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान में एक ऑब्जेक्ट बेहद ही तेजी से आकर नीचे गिरता है और उसके बाद वहां पर धुआं उठने लगता है और इस हमले के साथ ही हवाई हमलों के सायरनों भी बजने लगते हैं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले 24 जून 2024 को इराक से एलेट पर हवाई हमला हुआ था। इसके बाद 25 जून 2024 को इसराइल के हाइफा पर भी प्रतिरोधी समूह ने एक बड़ा हमला किया था। बड़ी बात यह है कि जब से इसराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इराक के प्रतिरोधी समूह खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। इसको लेकर इराकी नेता शेख कास कजाली ने पहले ही दो टूक कह दिया है कि अगर हिजबुल्ला के ऊपर इसराइल हमला करता है तो हिजबुल्ला के सपोर्ट में सीधे उतरेंगे। कजाली ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी दी है, अगर इसराइल लेबनान और हिजबुल्ला के ऊपर हमला करता है तो इससे इराक और क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए खतरा होगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि इसराइल हिजबुल्ला युद्ध से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इराकी प्रतिरोध ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पहले ही कई हमले किए हैं और अगर अब इसराइल हिजबुल्ला पर चढ़ाई करता है तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन पहले ही इसके नतीजों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। ब्राउन का कहना है कि इसराइल का हिजबुल्ला पर हमला ईरान की इसमें एंट्री करा सकता है, जिससे इस युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और इलाके में अमेरिकी सेना के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।